पंचकुला के मानसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 6 में बम शेल मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। आर्मी को दी गई मामले की जानकारी। पूरी रात पुलिस की सुरक्षा में रखा गया बम शेल। मानसा देवी थाना प्रभारी सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बम शेल मिलने वाली जगह को रात को पूरी तरह सील कर दिया था ताकि इसके आसपास कोई ना जा सके। बुधवार सुबह आर्मी की टीम ने बम को निष्क्रिय किया। सर, एमडीसी के एरिया में एक बम शेल मिला है, कहाँ मिला है, क्या है पूरा मामला, किसको जानकारी दी गई है? जी, ये आईटी पार्क के साथ सेक्टर 6 एमडीसी पंचकुला का एरिया लगता है जी। और उसमें एचएसवी की भाग वाले अपना सड़क बना रहे थे और उसमें मिट्टी मुट्टी डाल रहे थे। वो जहाँ से मिट्टी लेके आए थे उस मिट्टी के अंदर एक बम नुमा शेल मिला था। हमें उस सूचना दी थी एक चाय वाले ने, राकेश कुमार है उसका नाम। उसने जैसे ही फ़ोन किया तो हम मौके पर पहुँचे। हमने आगे देखा तो हमने अपनी एंटी सेबोटेज टीम, जो बम डिस्पोजल टीम है, उसको मौके पे बुलाया। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये कोई मिलिट्री का पुराना शेल है। और फिर हमने अपने अधिकारियों को बताया और अधिकारियों के माध्यम से हमें मिलिट्री को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा है। वो सुबह आएंगे और हमारी टीमें भी आके इसको सिक्योर करके एरिए को गई हैं। सारी प्रॉपर इसको सिक्योर किया हुआ है और यहाँ पर हमने अपनी गार्ड भी लगवाई हुई है। और सुबह जैसे ही मिलिट्री की टीम आएगी, बम डिस्पोजल टीम, तो इसको नियमानुसार डिस्प्यूज करवाएंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।